वहीं फिल्म अभिनेता सलमान खान को धमकी के मामले को लेकर मुंबई पुलिस की एक टीम पंजाब पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल की टीम ने कपिल पंडित और दीपक मुंडी से पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के पहले लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार फिर सलमान खान को मारने को लेकर प्लान भी तैयार किया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को उनके पनवेल के फार्म हाउस के नजदीक मारने की साजिश रची थी, जिसके लिए उस इलाके की रेकी भी की गई थी। और इस मामले में पंजाब पुलिस ने कहा था कि इस पूरी योजना का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ और शूटर कपिल के पास थी। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर कपिल पंडित को हाल ही में भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि मुंबई से सटे पनवेल में कपिल पंडित, संतोष जाधव और दीपक मुंडी के साथ कुछ और शूटर्स एक किराए का कमरा लेकर तकरीबन डेढ़ महीने तक ठहरे थे। शूटर्स ने इस बात को भी बताया, खुलासा किया कि हिट एंड रन मामले के बाद से सलमान खान की गाड़ी बहुत कम स्पीड में होती है और इस मामले की सच्चाई क्या है इसको जानने के लिए, पूछताछ करने के लिए मुंबई की क्राइम ब्रांच की एक टीम पंजाब पहुंची है।